हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार एक बार आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ डिजीज़। फ्रेंड्स, आपको ये पता ही होगा, जैसे कि पीछे कई एग्जाम से में डायरेक्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछे जाते हैं किसी डिजीज़ के, तो फ्रेंड्स ये आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि आप जो आप सभी टेस्ट आराम से देख सकें और आपके लिए ये जो क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में वो अच्छे मार्क देके जा सकें। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया टॉपिक है कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ डिजीज़। फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक में से कम 50 से 60 डिजीज़ के कन्फर्मेटरी टेस्ट और उनसे संबंधित आने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इसे यूं ही कंटिन्यू रखें, स्किप ना करें और पहले सेकंड मिनट तक जरूर इसे पूरा वीडियो देखें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इसको लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मेरा ये चैनल है नर्सिंग लवर हब। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आइए अब शुरू करते हैं हम पहले टेस्ट से। पहला टेस्ट है एडम टेस्ट, जो कि फ्रेंड्स स्कोलियोसिस में किया जाता है। स्कोलियोसिस एक स्केल्टन सिस्टम की डिजीज़ है, तो उसमें किया जाता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट एलन टेस्ट ए बी जी एनालिसिस जो आर्टरी से रेडियल आर्टरी से ब्लड ड्रॉ करने से पहले एक टेस्ट किया जाता है, जो कि पेटेंसी ऑफ आर्टरी को चेक किया जाता है, उसे एलन टेस्ट के कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एल्डिहाइड टेस्ट, जो कि लेप्रोसी में किया जाता है। उसके बाद फॉस्फेट टेस्ट पास्चराइजेशन में किया जाता है। और नेक्स्ट है पेचेस टेस्ट, जो कि एलर्जी रिएक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट है टर्निक्यूट टेस्ट, जो कि डेंगू में किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ थोड़ा फास्ट चलूँगा, अगर स्लो लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए जहाँ आपको कुछ समझ ना आए तो आप उसे यूज़ करके, वीडियो को यूज़ करके आप उसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं टर्निक्यूट टेस्ट डेंगू फीवर में किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यूरिया ब्रिड टेस्ट एच पाइलोरी यानी कि हाई एलिक टेस्ट। सिक टेस्ट डिफ्थीरिया का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। और नेक्स्ट डिस टेस्ट स्कारलेट फीवर का टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट है। नेक्स्ट रोदस टेस्ट, रोदस एसीटोन इन यूरिया। नेक्स्ट हे टेस्ट, जो कि यूरिन में बाइल किया जाता है। नेक्स्ट स्मिथ टेस्ट बाइल पिगमेंट इन यूरिन में बाइल पिगमेंट को चेक करने के लिए स्मिथ टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बेनेडिक्ट टेस्ट में ग्लूकोज इन यूरिन ग्लूकोज को चेक करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट कैवियम टेस्ट, जो कि सार्कोइडोसिस में किया जाता है। नेक्स्ट राइन एंड वेबर टेस्ट, जो कि हियरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट डायरेक्ट कॉम टेस्ट, जो कि हिमोलाइटिक एनीमिया में किया जाता है। हिमोलाइटिक एनीमिया डायरेक्ट कॉम टेस्ट। नेक्स्ट इस्टीरिया टेस्ट, जो कि कलर विजन टेस्ट में किया जाता है। स्नेडल चार्ट टेस्ट, जो कि डिस्टेंस विजन में काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट कन्फर्टेशन टेस्ट है, जो कि सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन में काम में आता है। नेक्स्ट जेगरस टाइप कार्ड टेस्ट, जो कि नियर विजन में काम आता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स सीलिंग टेस्ट विटामिन B12 ऑब्जर्वेशन में किया जाता है। नेक्स्ट हिस्टामिन टेस्ट, जो कि लेप्रोसी में किया जाता है। नेक्स्ट रोलर ओवर टेस्ट, जो कि प्री एक्लेम्सिया के डायग्नोसिस में किया जाता है। फ्रेंड फर्न टेस्ट, और इसे निट्रोजन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड में किया जाता है। नेक्स्ट वीडियरल टेस्ट फ्रेंड्स सिफिलिस के डायग्नोसिस में किया जाता है। नेक्स्ट VMA, जो कि वेनलाइन मेंड्रेन एसिड, जो कि फिनो क्रोमोटोम में किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि डायबिटिक मेलाइटिस में किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन यानी कि HbA1c टेस्ट, जो कि डायबिटिक मेलाइटिस के डायग्नोसिस में किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, जो कि डायबिटिक इंसिपिडस में किया जाता है। नेक्स्ट ट्रेडमिल टेस्ट, जो जिसे स्ट्रेस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि हार्ट फंक्शन में काम आता है। नेक्स्ट फ्रेंड ट्रिपल टेस्ट, फ्रेंड्स इसमें डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम में काम आता है। नेक्स्ट फ्रेंड 33 जो डायग्नोसिस है वो है डी डाइमर टेस्ट, ये जो कि क्लोट फॉर्मेशन के मरीजों के लिए किया जाता है, जो कि DVT PE और DIC में काम में आता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स
ट्रेंडलबर्ग टेस्ट जो कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है वेरिकोस वेन के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स फालन एंड टाइनल टेस्ट जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम के डायग्नोसिस में किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स गोल्ड क्वांटिफोरन टेस्ट जो कि ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस में काम आता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बेंगल टेस्ट जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के डायग्नोसिस में काम आता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स टेंसिलोन टेस्ट जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस में कन्फर्मेटरी टेस्ट। ये एक रोमबर्ग टेस्ट फ्रेंड्स नीमांस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि न्यूरोलॉजिकल फंक्शन बैलेंस और गट के लिए डायग्नोसिस के लिए रोमबर्ग टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड नी किस टेस्ट फ्रेंड्स इसमें पेशेंट को नी पे किस के डायग्नोसिस में काम में आता है जो कि फ्रेंड चिल्ड्रंस में मेनिनजाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट है टी जेंग टेस्ट जो कि हर्पीस जेनिटल वेरिसिला के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फ्राई टेस्ट जो कि लिम्फो ग्रेनुलोमा इंग्यूनल के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टेस्ट है विडाल टेस्ट जो कि टाइफाइड के डायग्नोसिसन में काम आता है। नेक्स्ट वेल फ्लिक्स टेस्ट जो कि टाइफाइड फीवर के लिए ही काम में आता है। नेक्स्ट बोनी टेस्ट या मार्शल टेस्ट जिसे स्ट्रेस इनकॉन्टिन्यूस के डायग्नोसिस में ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बीनेट टेस्ट जो कि इंटेलिजेंस कॉन्टिनेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्वीट कलोइड टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस के डायग्नोसिस में स्वीट क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट जो कि कोलोरा में किया जाता है। नेक्स्ट एप्स्टाइन बार वायरस के डिटेक्ट करने के लिए पॉल ब्रांड टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड इसके बाद नेक्स्ट सेक टेस्ट या बबल टेस्ट जिसे सर्फंक्टेंट एंड फिटल लंग्स की मेच्योरिटी को देखने के लिए सेक टेस्ट या बबल टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड इसके बाद रूबिन टेस्ट जो कि पेटेंसी ऑफ फिलोपियन ट्यूब को देखने के लिए रूबिन टेस्ट किया जाता है। फिर टैप टेस्ट जो कि पिन वॉर्म को डिटेक्ट करने के लिए टेप टेस्ट किया जाता है। क्लोरीन इन वाटर और तो क्लोरीन टेस्ट वाटर में क्लोरीन चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट डेक्सा स्कैन जो कि डेक्सा स्कैन है वो बोन मेटाबॉलिक डिजीज एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस का डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हील टू स्किन टेस्ट जो कि बॉडी कोऑर्डिनेशन टेस्ट है हील टू स्किन टेस्ट। और हेलो टेस्ट जो कि CSF लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो कि ACTH और पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए जाता है। नेक्स्ट इसके बाद फ्रेंड अर्थ्रोसेंटासिस जॉइंट जो कि जॉइंट इन्फ्लामेशन एंड के लिए। नेक्स्ट होल्टर मॉनिटरिंग 24 आवर्स ईसीजी मॉनिटरिंग इन डिसरिथमिया में किया जाता है। फ्रेंड इसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो कि मेजर ऑफ लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी बाई स्पायरोमीटर। नेक्स्ट SGOT SGPT AST ALT टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट। फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स पेप्समियर कैंसर ऑफ सर्विक्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो कि इस्टिमेशन क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स वुड इज लाइट एग्जामिनेशन जो कि सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन। इसके बाद फ्रेंड्स बुरो इंक टेस्ट जो कि स्कैबीज। इसके बाद फ्रेंड्स ब्रेंडन स्केल जो कि मेजरमेंट ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ बेडशोर। ब्रेंडन स्केल फ्रेंड्स बेडशोर की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए ब्रेंडन स्केल है। इसके बाद फ्रेंड्स कैंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि CA15-3 है जो कि ब्रेस्ट टेस्ट के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स JIT में पेंक्रियाटिक लीवर कैंसर एक्सेट्रा। फ्रेंड्स CA125 ओवेरियन कैंसर के लिए और एड्स डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है एलिजा टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। इसके बाद ये क्वेश्चन फ्रेंड आता है कि एलिजा टेस्ट स्क्रीनिंग ऑफ HIV के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद इसके लिए CD काउंट्स किया जाता है जो कि प्रेडिक्टर ऑफ HIV होता है। अगर लेस देन 200 है तो HIV हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स P24 एंटीजन एसे टेस्ट जो कि इंडिकेटिव एक्टिव HIV एप्लीकेशन और सीन इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रंस। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया और आप अपनी प्रतिक्रियाएँ इसके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएँ देंगे। और फ्रेंड्स इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर में ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया और आप अपने रिव्यूज़ देंगे जिससे ताकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और ही अच्छे टॉपिक लेके आने वाला हूँ। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स हैव ए नाइस डे।